भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में महज कुछ ही दिन बचे हैं। एक और भक्तगणों में इस पावन मौके पर खुशी की लहर है। वहीं जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी चाक चौबंद है। पुलिस का हर गली और चौराहे पर कड़ा पहरा है ताकि कार्यक्रम में रत्ती भर की भी चूक ना हो सके। इसी पर हमारे संवाददाता ने आईजी प्रवीण कुमार से खास बातचीत की। 22 जनवरी को आराध्य जो है अपने महल में विराजमान होंगे, ऐसे में सुरक्षा तो लेकर जो क्या व्यवस्था हुई है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईजी रेंज प्रवीण कुमार जी मौजूद है। सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की? सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है। राम जन्मभूमि परिसर में हमारा पैरामिलिट्री, सिविल पुलिस और यूपीएसएसएफ का कंपोनेंट कार्य करता रहेगा। हमने टेक्निक का भी इसमें अपनी तरफ से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, संत महात्मा हैं यहाँ के, जिनसे भी सूचना किसी रूप में मिल सकती है, सब अपनी सुरक्षा में अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। और हम आश्वस्त हैं कि ट्रैफिक डाइवर्जन से, समय समय पर की जाने वाली चेकिंग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से हम सारे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराएंगे। थैंक यू सर। बातचीत करने के लिए तो आप थे आईजी रेंज प्रवीण कुमार जी, जो कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हुए हैं। 22 जनवरी को भगवान राम जो है अपने महल में विराजमान होंगे, ऐसे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है विदेश के अतिथि भी अयोध्या में होंगे। प्रवेश पांडे, नॉर्थ ईस्ट टीवी, अयोध्या।